हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे बंगालीज के सरस्वती पूजा स्पेशल भोग वाली खिचड़ी। खिचड़ी तो हर घर में अलग अलग स्टाइल में बनते ही है, लेकिन बंगालीज के घर में भोगेर खिचड़ी एक अलग सी स्टाइल में बनते हैं, और वो ही आज हम आपके साथ शेयर करेंगे। और इसके लिए देखिए, मैंने चढ़ा दिया है कढ़ाई और अभी ऐड कर रही हूँ मूंग दाल। मूंग दाल को फर्स्ट में ड्राई रोस्ट करेंगे। फ्लेम को मीडियम में कर दीजिए और हल्का गोल्डन ब्राउन करके फ्राई कर लीजिए। 4-5 मिनट के अंदर देखिए दाल हमारे ड्राई रोस्ट हो गए हैं, हल्का सा गोल्डन ब्राउन कलर आ गए हैं ऊपर से। तो चलिए अभी दाल को निकल लेते हैं और इसको भी अच्छे से धो लेते हैं। दाल को मैंने निकल लिया है और अभी इसी सेम कढ़ाई में ऐड कर देंगे 2 टेबल स्पून मस्टर्ड ऑयल। ऑयल को अभी बहुत अच्छे से गर्म होने देंगे। ऑयल हमारे गर्म हो गए हैं तो अभी इसमें हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून 5 फोड़न। ये बंगालीज के एक स्पेशल मसाला है। इसमें है फेनल सीड्स, जीरा, कलौंजी, मेथी, साथ ही साथ ऐड कर देंगे 1 बेलिप्स, 2 ड्राई रेड चिली। सारी चीजों को हल्का सा फ्राई करेंगे। और अभी इसमें हम ऐड कर देंगे पटेटो। इसको ऐसे बड़े बड़े पीसेस में कट कर लिया है। पटेटो को अच्छे से फ्राई करेंगे। एक साइड को फर्स्ट में 1 मिनट के लिए फ्राई होने दीजिए। 1 मिनट हो गए है, पटेटो को अभी पलट देंगे। बहुत ज्यादा फ्राई करने का जरूरत नहीं है। पलट के दूसरे साइड को भी सेम तरीके से 1 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। देख लीजिए, पटेटो हमारे दोनों तरफ से फ्राई हो गए हैं। 70% तक फ्राई कीजिए, उसके बाद मैं ऐड कर दूंगी पम्पकिन। इसको भी सेम बड़ा बड़ा पीसेस में कट कर लिया है। पम्पकिन को भी पटेटो के साथ साथ मिला के फ्राई करेंगे, बस 2 मिनट के लिए, बहुत ज्यादा नहीं। पम्पकिन एंड पटेटो हमारे फ्राई हो गए हैं तो अभी इसमें हम ऐड कर देंगे फूल गोभी। इसको भी बड़े बड़े पीसेस में कट कर लिया है, मिला देंगे, अच्छे से फ्राई करेंगे। सब्जी को जल्दी पकाने के लिए ऐड कर देंगे 1 टीस्पून सॉल्ट। साथ ही साथ ऐड कर देंगे 1 टीस्पून हल्दी पाउडर। सब्जी हमारे फ्राई हो गए थे तो अभी हम ऐड कर देंगे लास्ट में बीन्स। बीन्स बहुत ही जल्दी पक जाते हैं, इसलिए लास्ट में ऐड करेंगे और बस 1 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। मिला देंगे, बस 1 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। बीन्स हमारे फ्राई हो गए थे, अभी हम ऐड कर देंगे टमाटर, जिसको मैंने बड़े बड़े पीसेस में कट कर लिया है। टमाटर को सब्जी के साथ ही साथ अच्छे से पकाएंगे। देख लीजिए, टमाटर मैशी होना शुरू हो गए हैं। इस टाइम में ऐड कर देंगे मटर। विंटर सीजन में मटर बहुत ही इजीली मिलते हैं और बहुत टेस्टी भी होते हैं। मटर ऐड करने के बाद फिर से मिलाइए, बस 1 मिनट के लिए। देख लीजिए, सब्जी हमारे बहुत ही अच्छे से पक गए हैं तो अभी इसमें हम ऐड कर देंगे जिंजर और ग्रीन चिली का पेस्ट। साथ ही साथ ऐड कर देंगे 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। मिलाएंगे सारी चीजों को, 1 मिनट के लिए कुक कर लेंगे। सब्जी तो हमारे रेडी हो गए है तो अभी हम ऐड कर देंगे दाल, मूंग दाल, जिसको मैंने फर्स्ट में ड्राई रोस्ट कर लिया था। इसको भी ऐड करेंगे। मूंग दाल लिया है 250 ग्राम। दाल के साथ साथ ऐड कर देंगे गोविंद भोग राइस। देखिए इस तरह का दिखता है। इसके जगह पे आप कोई भी राइस का यूज कर सकते हो, और गोविंद भोग राइस भी मैं यूज कर रही हूँ 250 ग्राम, यानी कि रेशियो 1:1। दाल और राइस का रेशियो 1:1 रखिए।
सारी चीज़ों को एक साथ में मिक्स करेंगे। फ्लेम को इस टाइम में हाई में कर दीजिए। सब्जी के साथ साथ, मसाला के साथ साथ राइस को, दाल को एक मिनट के लिए इस तरह से चला दीजिए। देख लीजिए, राइस, दाल, सब्जी सब कुछ मिक्स हो गए हैं। तो अभी इसमें हम ऐड कर देंगे हॉट वाटर। हाँ, वाटर को बॉईल कर लीजिए, इससे ना राइस बहुत ही जल्दी पक जाते हैं और खिचड़ी बहुत ही स्वादिष्ट बनते हैं। अभी हल्का हाथों से मिलाएंगे सारी चीजों को। सारी चीजों को मिला दिया है, इस टाइम में ऐड कर देंगे सॉल्ट स्वाद अनुसार। तो फर्स्ट में 1 टीस्पून ऐड किया था, अभी ऐड कर रही हूँ और 2 टीस्पून। सॉल्ट ऐड करने के बाद फिर से एक बार मिला दीजिए और मिला के अभी ढक्कन लगा के 10 मिनट के लिए कुक कर लीजिए। 10 मिनट में राइस हमारे कुक हो जाएगी। तो 10 मिनट बाद मिलती हूँ। 10 मिनट हो गए हैं, चलिए ढक्कन पकाते हैं। देख लीजिए, राइस हमारे 70% तक कुक हो गए हैं। वो इन दफोक राइस बहुत ही जल्दी पक जाते हैं, ये लेके टेंशन लेने का कोई बात ही नहीं है। चलिए बस एक बार मिला देते हैं। इस टाइम में हम ऐड कर देंगे 1 टीस्पून चीनी। चीनी बस बैलेंस करने के लिए है, चीनी देने से स्वाद बहुत ही बढ़िया आते हैं, लेकिन अगर आप लोगों को पसंद नहीं है तो स्किप कर दीजिए। चीनी ऐड करने के बाद फिर से एक बार मिला देंगे। लास्ट में ऐड कर देंगे थोड़ी सी भुना हुआ मसाला, इसमें है जीरा, धनिया और रेड चिल्ली पाउडर। मसाला को मिला देंगे और इसको भी ऐसे हाई फ्लेम में 5 मिनट के लिए बॉईल होने दीजिए। तो रेडी हो जाएगी हमारे बंगाली स्टाइल भुगे खिचड़ी। 5 मिनट हो गए हैं, रेडी हो गए हैं हमारे बंगालीज के स्पेशल भोग वाली खिचड़ी। तो इसमें अभी लास्ट ट्विस्ट ऐड करेंगे थोड़ी सी घी, इससे ना वो पूजा वाली फीलिंग आ जाते हैं। बस 1 टीस्पून ऐड कर दीजिए। घी ऐड करने से बहुत अच्छा एक एरोमा आते हैं। देख लीजिए, राइस हमारे बहुत अच्छे से पक गए है, सब्जी एकदम ठीक ठाक पका हुआ है और खिचड़ी हमारे रेडी हो गए है। बस मिला दीजिए और गर्मा गर्म सर्व कीजिए। तो इस सरस्वती पूजा में घर में बनाइए बंगालीज के स्पेशल भोग वाली खिचड़ी। और कैसा लगा मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए गैस को अभी बंद कर देती हूँ और इसको सर्व कर देती हूँ। देख लीजिए, रेडी हो गए हैं बंगालीज के स्पेशल भोग वाली खिचड़ी। तो कैसी लगी मेरी ये रेसिपी? अगर अच्छा लगा है तो लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। आगे जाके ऐसे ही रेसिपीज रोज रोज अपने फोन पे देखने के लिए नीचे बेल बटन को भी दबा देना। आज के लिए इतना ही। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।